Part of this particular journey. I would like to take a moment to test the logic journey of Bhutan since its inception in 1980. ट्रॉफी को अपने विद्यार्थी के साथ ग्रहण करें। इतने खूबसूरत पल किसी भी टीचर के लिए नहीं होता जब वो अपने स्टूडेंट के किसी के साथ मैं बेस्ट परफॉर्मेंस इन थिएटर अभिनेता आकाश कटोरिया कॉलेज बहुत मुबारक के हकदार है आकाश एनएम कॉलेज उसी के साथ अमित पाल नाम कल्चरल कन्वीनर एमएम कॉलेज इसी के साथ मैं अनाउंस करना यहाँ पे रहे इसी के बाद मैं अनाउंस करना चाहूंगी बेस्ट परफॉर्मेंस इन डांस साहित्यम जिसे हम कहते हैं अगर हमारे प्रिंसिपल मैम प्रोफेसर मीनू महाराज इसके बाद बेस्ट परफॉर्मेंस इन नृत्य डांस जिसे हमने डांस पढ़ाए अभिव्यक्ति म्यूजिक गायन वादन जिसे हम अभिव्यक्ति के नाम से जानते हैं जो एम एल एम कॉलेज एक बार
दुर्गा पाली के स्वागत और इसके उपरांत अब समय है रमेश ट्रॉफी के लिए। पूरी टीम से गुजारिश करूंगी कि किसी भी मुझे साथ अपनी इस बार लाइट की वजह से गांधीनगर कॉलेज मायूस नहीं होते हम बहुत खुश हैं हम कॉलेज की अचीवमेंट से। कल्चरल कन्वीनर को अनुपाल नाम को देखिए ये एनुअल फेस्टिवल है और आज इसका समापन हुआ। आपने देखा कि प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, कॉलेजेस अपने अपने स्टूडेंट्स और फैकल्टी और उनके जो मेंटर्स थे उनके साथ लेकर प्राइज रिसीव किए हैं। आपने देखा कैसी एनर्जी थी यहाँ पर और ये जो है उनके एक्सप्रेशंस को, आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस को और टैलेंट को होल करने का एक स्टेज देता है। एक बहुत बड़ा स्टेज है जहाँ इंटर कॉलेज इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स हुए, उसमें जो पार्टिसिपेट किए उन्होंने अपनी रैंकिंग कराई और रनर सब भी मिला और उनको फर्स्ट प्राइज भी मिला। वाइस चांसलर साहब ने सही कहा कि जिनको प्राइज नहीं मिला है वो भी निराश ना हो, कहीं उनकी साधना में कुछ कमी रह गई होगी और जिसको उन्हें आगे बढ़ावा देना है और आगे बढ़ना है। ये स्पीच में एक चीज और ऐड हुई थी कि सफर जो है वो मंजिल से ज्यादा जरूरी है, उसके बारे में जरा बताएं। जब तक आपकी जिंदगी है तब तक आप सीखते हैं और तब तक अपने आप को इवॉल्व करते हैं। ये भी वाइस चांसलर साहब ने स्टूडेंट्स को एड्रेस में कहा कि ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है इवॉल्व करने का। आप विश्वविद्यालय परिसर से निकलते हैं, कॉलेज परिसर से निकलते हैं, उसके बाद जिंदगी में भी आप अपने आप को इवॉल्व करते हैं। आपकी एक्सपीरियंसेस आपके साथ काम एक्सपीरियंसेस आप दूसरे से भी साझा करते हैं और आपकी पर्सनैलिटी एक वेल राउंडेड पर्सनैलिटी बनती है। केवल डिग्री तक आप सीमित नहीं रह जाते हैं और समाज में आप अपनी प्रतिभा के अनुसार समाज की सेवा करते हैं। थैंक यू सर। हमने जो देखा प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के समय जो उत्साह, जो ऊर्जा, जो अपने टैलेंट के विकास के लिए जो उनके अंदर कसमसाहट, उससे ये लगता है कि विद्यार्थियों इस तरह की जो क्रिएटिविटी उसकी तरफ वो आकर्षित हैं, उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं और विश्वविद्यालय परिवार कॉलेज के हम जितने हमारे जुड़े हुए हैं वो सब इसको अवसर दे रहे हैं ताकि वो और विकसित हो, क्योंकि अल्टीमेटली वही उनके व्यक्तिगत जीवन के लिए भी, सामाजिक जीवन के लिए और राष्ट्र जीवन के लिए काम आने। तो सर पिछली बार जैसे एकदम समय आ गया है और अभी जो एनएपी में आया है प्रोजेक्ट बेस्ड सॉल्यूशन, प्रॉब्लम बेस्ड स्टडीज, बाहर जाएं, ये तो क्लियर है एनएपी ने बहुत साफ कहा है मल्टीडिसिप्लिनरिटी के साथ वो बहुत सारी चीजें सीखी, क्योंकि वो केवल एक विधा में वो अपना प्रतिभा विकसित करे वो ठीक नहीं है, उसको सभी दिशाओं में जाना है, उसको सभी दिशाओं में विकसित होना है और ये अवसर इस तरह के कार्यक्रम प्रदान करते हैं। तो सर जाते जाते आखिरी सवाल कि इस बार जो कंटेस्टेंट्स या जो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे उनके लिए आपका क्या मैसेज है? नहीं बताया ना कि वो कंटेस्टेंट जो नहीं पार्टिसिपेट कर पाए उनको अगले बार पार्टिसिपेट करें, हमारी तरफ से खुला अवसर है, कॉलेज की तरफ से खुला अवसर है, हमारी जो टीम है वो पूरी तरह से उनको आमंत्रित करती है, इंटर कॉलेज, विद इन कॉलेज, स्कूल्स, ये सब खुला अवसर है, उनको हमेशा ओपन है, वो जब चाहे तब आए और हमारी स्टाफ, हमारे फैकल्टी, हमारे लॉजिस्टिक जो सपोर्ट प्रदान करने वाले लोग वो सब लगातार उनके साथ खड़े हैं।